ना हम बात करने में कोई रुचि रखते हैं क्योंकि अभी काम करने का समय है। राहुल गांधी ने तो जब आपको चेतावनी दी थी जीवीएल नरसिम्हा, पहले तो बात ये समझ लीजिएगा जीवीएल नरसिम्हा जी, विपक्ष की शराफत को उसकी मजबूरी मत समझा करिए। ये बहुत, ये हमारा एक गहना है हमारी शराफत, ये हमारी कोई बेड़ियां नहीं है, ये पहले समझ लीजिएगा। तो बैक फुट फ्रंट फुट को मैं अभी आपको सिखा देता हूँ अगले 3 मिनट में, ठीक है? सुन लीजिए, अगर ये नमस्ते ट्रंप के चक्कर में आप लालच में नहीं पड़े होते कि ट्रंप को घुमाना है वहां स्टेडियम में, तो आप 1 महीना पहले जाग जाते जब राहुल गांधी आपको जगाने की चेष्टा कर रहे थे। आप गहरी नींद में थे क्योंकि आपको तो ट्रंप दिख रहे थे, आपको तो भीड़ दिख रही थी क्योंकि आपको वहां स्टेडियम में भरना था। अहमदाबाद की हालत जाके पूछिए, बैकफुट मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है बैकफुट। जब आपको नरेगा के लिए राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने बोला कि नरेगा खोल दीजिए, पैसे देना शुरू करिए, तब आपको होश आया कि नरेगा भी है कुछ, जिसको आप गालियां देते थे सुबह से शाम तक कि नरेगा बहुत बड़ी विफलता है, अब उसी नरेगा का सहारा लेकर बैठे हो। आज रविशंकर प्रसाद आकर झूठ बोल रहे हैं कि पांच पांच मीटिंग हुई है मुख्यमंत्रियों से। काश कि जब हम मांग कर रहे थे विपक्ष से और मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करो, तब आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में मशगूल थे। अरे ये कोई नोटबंदी का निर्णय है कि 8 बजे आए, ताली बजाई, बोला 12 बजे बंद? लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? जाती है ट्रेन गोरखपुर पहुंच जाती रौरकेला और यहां आकर बहस कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को तो अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर देना चाहिए, शर्म के मारे आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और बाहर निकलो तो माफी मांगिए पहले मजदूरों से। यहां आकर सबसे पहले डिबेट शुरू करो तो माफी मांगकर शुरू किया करो मजदूरों से। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।